गुटखा तंबाकू पर लगे रोक, सिटी मजिस्ट्रेशन को दिया ज्ञापन। बरेली शहर से लेकर देहात तक बिक रहे गुटखे तंबाकू से प्रतिवर्ष हजारों लोगों की जान चली जाती है, बावजूद इसके प्रदेश सरकार को सख्त कदम नहीं उठा रही है। दिव्य ज्योति परमार समिति कार्यकर्ताओं ने गुटखे को बंद करने की मांग की है। उन्होंने ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेशन को सौंपा है। MN रस्तोगी, RP जौहरी एडवोकेट, प्रमोद शर्मा एडवोकेट, गौरव जौहरी, शिवदर्शन शर्मा एडवोकेट, राजीव सक्सेना, नरेंद्र चंद्र, रमेश चंद, देश प्रेमी एडवोकेट, सुरेंद्र शर्मा एडवोकेट आदि मौजूद रहे। गुटखे पे बिक्री पे और उस पे सेवन पे तत्काल रोक लगाई जाए, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने पहले भी आदेश पारित किया था और उसकी परिप्रेक्ष्य में हमारे अधिकारियों और व्यापारियों ने मिलकर एक नई मुहिम चलाते हुए उसका बीज का तोड़ निकाला था, मगर उस जो हमारा अपेक्स कोर्ट का आदेश था उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। इसीलिए हम उसका समर्थन यहाँ करने आए, ज्ञापन देने आए हैं, और अगर ये ज्ञापन के बाद अगर कोई आगे कार्रवाई नहीं होती तो हम उच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय फिर से जाएंगे। क्या नाम है आपका? BP ध्यानी। किस संस्था से? जी, बरेली बार एसोसिएशन का मैं सदस्य हूँ। क्या मामला? आज हमने माननीय सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन ये दिया है कि गुटखे पे तत्काल रोक लगाई जाए, क्योंकि गुटखा जो है मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ख़राब होते हैं, इससे लोगों को कैंसर होता है, ख़ास तौर से थ्रोट कैंसर का जो कारण है वो गुटखा ही है। इससे गंदगी भी फैलती है, गुटखा खाने वाले इधर उधर स्पिटिंग करते हैं, फिर उसके बाद वो साफ़ नहीं होता है, जो समाज के लिए कोड़ से बराबर है। इसलिए हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि गुटखे पर तत्काल और प्रभावी तरीके से रोक लगाई जाए, जिससे सबका भला हो, लोग स्वस्थ रहें और आनंदमय जीवन बिताएं, स्वस्थ जीवन बिताएं। जय हिंद, जय भारत। NG न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।